इंदौर के संयुक्त गंज थाना क्षेत्र के गीता भवन स्थित फेडरल बैंक की गार्ड राजभान सिंह ने मामूली विवाद के बाद गोली चला दी। गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल चाय की दुकान पर हुए मामूली विवाद के दौरान एक बैंक के गार्ड ने 3 युवकों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात मंगलवार शाम संयुक्तागंज थाना क्षेत्र में गीता भवन चौराहे के पास स्थित फेडरल बैंक के बाहर हुई। दोनों घायल युवकों को उपचार एमवाई अस्पताल में किया गया। वहीं एक युवक का गोकुलदास हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जिसमें से एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्या हुआ था पूरी घटना बताओ। चाय की दुकान में रहा था, उधर चाय की दुकान में बैंक का गार्ड था। कितने लोगों को मारी? मेरे भाई को लगी और वहाँ बैंक में जो काम करते उनको भी लगी। तो तुम्हें भी लगी? कहाँ की घटना है ये? गीता में। तुम क्या करने गए थे वहाँ पर? मेरी भाई हमारी चाय की दुकान फिर मैं वहाँ से मेरा भाई इससे बात करने तो बात करने में उन्हें डराता वाता भी चला था और फिर बंदूक। अभी गार्ड वहीं है? गार्ड क्या बताते हैं, आधा देवी रिपोर्ट लिखवा रहे कोई भगदड़ मच गई थी वहाँ पर? बैंक के कोई लोग नहीं आए? वो नहीं आए, उनको भी लगी सर को किसी बैंक के अधिकारी को भी लगी। तुम्हारा नाम क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी, इंदौर।